अपना चैनल, तो सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं वेकेशन पे गई। तो मैं वेकेशन से जब लौटी हूँ तो मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो शूट करूँ, तो ये मेरी वीडियो फर्स्ट वीडियो है वेकेशन के बाद। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक एवरीडे मेकअप लुक क्रिएट करूँ। तो आपने टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा, एवरीडे मेकअप लुक। तो मैंने ये एकदम एवरीडे के लिए यूज़ कर रखा है और स्पेशली बिगनर्स के लिए परफेक्ट है, आप इसे ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं, नो हाईलाइटर, नो कॉन्टोर, नथिंग। और इसमें बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से टाइम के लिए आप थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो आपको फुल मेकअप अच्छा सा लुक आ जाएगा। और जो मैंने प्रोडक्ट्स कर रखे हैं, अगर आप वो चाहते हैं लेना तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने उनका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है मेजॉरिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट्स का। तो या फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एवरीडे के लिए पूरा फुल कवरेज फाउंडेशन लेना प्रेफर नहीं करती हूँ मैं। नॉर्मली अगर पैन स्टिक होगी तो वही यूज़ कर लेती हूँ, वरना बीबी क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास आज यहाँ पे है ब्लू हेवन की पैन स्टिक जो कि 02 ब्लश, इसमें मेरा शेड है 02 ब्लश। तो मैं इसी को प्रिफर करूँगी लगाना और इसी से पूरा फुल फेस मेकअप करूँगी। तो आप देख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे अपने डार्क सर्कल्स की वो है तो मैं वहीं पर अप्लाई करूँगी इसको। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरा फेस को ब्लेंड करूँगी, इस पूरे पैन स्टिक को। तो मैं इसी से, आपने देख सकते हैं कि जहाँ से मुझे डार्क सर्कल्स की शिकायत थी मैं वहाँ वहाँ इसको लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, और इसी से मैं फुल कवरेज के लिए परफेक्ट है और ज़्यादा कवरेज भी नहीं देता, एकदम सही देता है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे एक और कोटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस पूरे पैंसिल को सेट कर लूँगी अपने मेबलिन के सुपर फ्रेश वाइट कॉम्पैक्ट से, और उसमें मेरा शेड है पर्ल। तो मैं इसी से अपने पूरे कॉम्पैक्ट को, पूरे फेस को सेट करूँगी विद अ बिग फ्लफी ब्रश जो कि मेरे पास है हुडा ब्यूटी का था। तो मैं इसी से करने वाली हूँ। इस तरीके से आपका पूरा फेस शेड प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, बात आती है अपने आईब्रो को सेट करने के लिए। तो मैं आईब्रो सेट करने के लिए यहाँ पे ले लूँ SFR आई शेडो पैलेट, जो आप देख सकते हैं मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुका अपने चैनल पर। तो इसमें मेरा शेड है 02। तो मैं इसमें से जो ये ब्लैक कलर है वो यूज़ करूँगी क्योंकि मैं आईब्रो पेंसिल गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा सा मेल्ट होने लग जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाते हैं। तो जो आई शेडोज होते हैं वो परफेक्ट होते हैं और उससे आपको हाथ में प्रिसाइज रहता है कि आपको कितना कैसे करना है। तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। और ये भी हुडा ब्यूटी का ब्रश था तो मैं इसी से अपना थोड़ा, ये एंगुलर है इसीलिए मैं इसी को यूज़ करूँगी। थोड़ा सा ये ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी और अपने आईब्रोज को सेट करूँगी, हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं आगे स्ट्रोक्स करती हूँ, फिर पीछे और बीच में जो होता है वो सेट हो जाता है, तो स्किन की हेल्थ से वो सेट हो जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल भी एकदम ड्रामेटिक नहीं करूँगी, एकदम लाइट करूँगी। तो कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद मैं स्पूली की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो भी ब्रश के जो हार्ड स्ट्रोक्स होंगे वो एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अगर आपने आईब्रो फिल कर रखी तो कितना ज़्यादा चेंज आ चुका होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले में अपना नहीं लगाया और इसमें लगा रखा है, तो कितना चेंज आ चुका है। तो मैं इसमें आपको लगा के दोबारा मिलती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं आई शेडो की। तो मैं आई शेडो के लिए भी सेम पैलेट लेने वाली हूँ और इसमें से जो ये लाइट ब्राउन का शेड है उसको मैं यूज़ करूँगी एज माई ट्रांजिशन कलर के लिए। ये भी फ्लफी ब्रश की मदद से मैं इसे थोड़ा सा लूँगी और डस्ट ऑफ कर लूँगी एक्स्ट्रा पाउडर को और अपने ट्रांजिशन कलर में प्लेस अप करूँगी। एकदम मैं नॉर्मली एवरीडे के लिए लाइट मेकअप यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं लाइट आई शेडो ले रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पूरा लाइट शेडो ले सकते हैं या फिर पूरा एक्स्ट्रा डार्क ले सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। तो आप देख सकते हैं, मैं नॉर्मली एवरीडे के लिए न्यूट्रल मेकअप ही यूज़ करती हूँ, न्यूट्रल शेडोज यूज़ करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने ये वाला पैलेट खरीदा था क्योंकि एवरीडे के लिए परफेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने लगा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं आईलेट में कलर करने की। तो आईलेट के लिए मैं कलर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का जो कॉड आता है, इसमें आपको दिखा देती हूँ मैं वाला, इस तरीके से आता है। बिल्कुल भी पिगमेंटेड तो बिल्कुल नहीं होते, या लगते पिगमेंटेड है लेकिन बिल्कुल भी होते नहीं जब भी आई लिड में लगाएंगे। तो इसमें मेरा शेड है 605। तो मैं इसमें से
ये फ्लैट शेडर की मदद से जो लाइट पिंक शेड है ये वाला थोड़ा सा शिमरी में आता है, थोड़ा लाइट आता है, तो आप देख सकते हो मैं इसी को यूज़ करूँगी। मैंने इसे थोड़ा सा वेट कर लिया अपने मेकअप सेटिंग स्प्रे की मदद से, और इस तरीके से मैंने ब्रश में देख कर अपने आईलिड में कलर करूँगी इसको। ये नॉर्मली आप थोड़ा सा अगर हल्का सा इफेक्ट चाहते हैं तो तभी के लिए सही है, वरना अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे यूज़ करेंगे हमें तो इट इज़ नॉट फॉर दैट, बिकॉज इसका पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसलिए तो आपको इसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी आपको देख सकते हैं मेरा हल्का सा पिगमेंटेशन आ रहा है, तो मैं इतने ही में सेटिस्फाइड होती हूँ, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ इसे थोड़ा सा। तो मैं इस आईलेट पर भी लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हल्का सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, तभी मैंने लगा चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है आईलाइनर की, तो आईलाइनर के मेरे पास यहाँ पे है लैक्मे का इंस्टा लाइनर, तो मैं इसी को प्रीफर करती हूँ। काजल में ज़्यादा नहीं करना पसंद करती हूँ, समर्स में काजल एकदम मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा वाटर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्मज हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा आईलाइनर लगाती हूँ, काजल प्रीफर नहीं करती हूँ समर्स के लिए। तो मैं हल्का सा ब्रॉड बना लूँगी, ज़्यादा विंग नहीं बनाऊँगी, देख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एवरीडे के लिए आपको विंड की जरूरत नहीं पड़ती, आपके उसमें इट्स योर ओपिनियन, आप चाहते हैं तो आप विंड बना सकते हैं, लेकिन मैं एवरीडे के लिए भी विंड पसंद नहीं करती इसीलिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा विंग बनाया रखा, ज़्यादा विंग नहीं बना रखा, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश, और उसमें मेरा शेड है 504, एकदम मैट पिंक है, तो मैं इसको लगाऊंगी। और आप इसका पिगमेंटेशन बिल्डअप कर सकते हैं, ये अभी लाइट पिंक है तो आप इसको दोबारा लगा लगा के डार्क पिंक कर सकते हैं, या फिर एक ही बार में कर सकते हैं, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। और वैसे भी मैं एवरीडे के लिए इसे यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होता है, तो आप देख सकते हैं। तो आप स्माइल कभी भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे आप तरीके से देख सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास ब्लू हेवन की लिपस्टिक थी, इसका मैंने ब्लू हेवन जब मैंने वन ब्रांड मेकअप ट्रायल किया था तो तब मैंने इसे यूज़ किया था, उसके बाद मैंने अभी तक इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा आपकी रस्टी में आती है, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा रस्टी शेड है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ ज़्यादा नहीं। और ये थोड़ा सा कभी लाइट पिंक यूज़ करती हूँ, कभी फूशे पिंक, तो आज मेरे पास यही मिला तो मैं इसे यही यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये है मेरा पूरा फाइनल मेकअप लुक, जो कि मैं एवरीडे के लिए यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आपको ये वाला लुक पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हिट द लाइक बटन ऑल्सो, और आप मुझे लोगों को फॉलो कर सकते हैं। सो यार वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन बाय बाय।